मतलब मेरे चिथड़े उड़ने वाले हैं। मेरे सीआरपीएफ का फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट की जो आरसी मिलती है ना वो है ये देखो, और ये देखो मुझको भिखारी बोलने वालों ये देख लो, ठीक है। और भी कुछ दिखाता हूँ, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, और इसमें जो भी बातें कही हैं वो कोई काल्पनिक नहीं है, ये रियल करेक्टर और रियल इंसान के ऊपर है, कोई काल्पनिक नहीं है। इस वीडियो को से देखने से किसी को मानहानि नहीं होगी और किसी के करेक्टर पे उंगली नहीं उठाई गई है, जो है सच है। जैसे मेरे पहली वीडियो में कुछ था, उसमें मैंने बोला था कि इस वीडियो को देखने से लूज मोशन लग सकते हैं या कुछ भी, वो चीज़ मैं नहीं बोलने वाला। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी मैं नहीं चाहता कि ऐसी ऑडियंस मेरे पास आए जो कि भी गलत कमेंट करे, कल को मुझे पूछे इसका प्रूफ दो ये दो। ये देख लो अभी चाय के टाइम पे खाली करके अभी काम पे गए हैं, ठीक है। और ये तो अभी चाय वाली डोज है, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है। क्या बोली थी तू? गरीब हूँ मैं, भीख मांगने वाला हूँ। अच्छा तो ठीक है, इसका भी मैं प्रूफ दे देता हूँ। हमको भिखारी बोलने वाली ये देख ले, ठीक है। 1 लाख 1.5 लाख की एक होती है ये, जितना तू महीने में कमाती नहीं ना, इससे ज़्यादा ये खा जाती है, और इसका उससे ज़्यादा दूध बेच के कमा लेते हैं। और ये खाती कितना है ये देख ले, ये चीज़ खाती है। और तू शहर में रहने वाली है ना, मुझे भिखारी बोलने वाली, तुझे क्या पता ये क्या चीज़ है। जितना तेरी गाड़ी में तेल डलता है ना, जितनी तू दिल्ली का फ्यूल फूंकती है, उससे ज़्यादा मेरे पापा शराब पी जाते हैं। तो ये वहम में मत रहना कि मैं भिखारी हूँ, मुझे तुम भिखारी बोल रही है ना, इसका प्रूफ भी मैं दे दूंगा। अभी चाय का टाइम ही था, उससे पहले पौआ ना, एक पौआ पी के काम पे चले गए हैं। जितना तेरी गाड़ी तेल खाती है उससे ज़्यादा दारू पी जाते हैं। किस में कितना है दम, आ देखे ज़रा किस में कितना है दम। इसका मैं विनर रहा हूँ, डीडी पंजाबी पे सिंगिंग कंपटीशन था, ठीक है, और उसमें मैं विनर रहा हूँ। ये है मेरा सर्टिफिकेट, और जाके गूगल पे सर्च कर लेना मुझको भिखारी बोलने वालों ये देख लो, ठीक है। और भी कुछ दिखाता हूँ। मैडम बोल रही थी ना कि इसने कोई जॉब के लिए नहीं जाना, झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो ये देख लो मेरे सीआरपीएफ का फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट की जो आरसी मिलती है ना वो है, ये देखो मेरी हाइट लिखी हुई है, ठीक है, क्वालिफाइड, ठीक है। और ये मेरा रजिस्टर राइट हैंड की जो एक मार्क भी उसने मेंशन किया है, मेल, ओबीसी, और सारा कुछ ये मेरा लिखा हुआ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम वगैरह, ठीक है। और ये देखो क्या है, सारा कुछ क्वालिफाइड, सारा कुछ है, ठीक है। उसके बाद ये वहाँ की ओरिजिनल स्टैम्प देख लो, डुप्लीकेट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है, कहाँ की है ये स्टैम्प, सारा कुछ देख लेना। और अब इसका मैं क्या करने वाला हूँ, वो बोल रही है ना कि जॉब के लिए नहीं जाएगा, ये ऐसे ही करेगा, तो भाई मैं जॉब के लिए नहीं जा रहा। और ये देखो, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल था ये, बिल्कुल ओरिजिनल, मुझको नहीं चाहिए जॉब। अब जो तुम हरकतें की है ना, भाई बहन के स्टोरी को, लव स्टोरी तूने बना के जो रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, अब मैं तुझे दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। ये चली गई मेरी जॉब, अब तू जो करना है कर, ठीक है, चैनल वापस चला ले, उसके बाद भी मैं स्ट्राइक दूंगा। ये पड़ा, ये हो गया कचरा मेरा फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, आज से मैं एक बेरोजगार हूँ और आज से मैं एक यूट्यूबर हूँ, और जैसे कि बोला गया कि स्ट्राइकर, हैकर, पाकिस्तानी, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए हैं, ट्विटर पे शेयर किए गए हैं, तो अब वो हूँ मैं, ठीक है, जो मैडम ने ब्लेम लगाया है ना। तो अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। सोशल मीडिया की जो मेरे हाथ में पावर है, मैं इसका मिसयूज़ ना कभी किया है ना करूँगा, ठीक है।
गर्ल्स की सेफ्टी के लिए, ठीक है, जो कुछ भी है मेरे से जितना कुछ भी हुआ मैं करूँगा, और यहाँ के पुलिस स्टेशन से मेरे बारे में पूछ सकते हो कि मैं क्या चीज़ हूँ, आज तक मैंने कितने कांड किए हैं और कौन कौन मेरी हेल्प लेता है, मैं क्या करता हूँ, पुलिस वाले मेरे से क्या हेल्प लेते हैं, ठीक है। और रही बात, मैडम रात बोल रही थी कि मैं चैनल डिलीट कर दूंगी, मैंने सब ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं किया, अब ये काउंटर नोटिफिकेशन पे आ गई है और यूट्यूब हमको क्या बोलता है कि मिस्टर विनोद जाओ कोर्ट जाओ जल्दी, और आज हो गया संडे और कल हम जाएंगे कोर्ट में, जो लीगल डॉक्यूमेंट है तो वो उन्होंने मांगा है, तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ के चाहिए, इस तरह करके जो कुछ बोला है, तो उसने बोला आप अपने बिहाफ पे दो ना कि और किसी पे, तो डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ, कल जाके बनवा रहा हूँ, उसमें सब यही मेंशन करना है वन एंड ओनली कि भाई बहन को इसने लव स्टोरी बना के ये कुछ बोला और उसके बिहाफ पे मैंने चैनल डिलीट किया, और तो मानिए जो जो जज होंगे उनके सामने यही अपील करूँगा कि इस चैनल को डिलीट किया जाए। और याद रखना ये आंटी खुद आके चैनल डिलीट करेगी, अब मैं नहीं करने वाला, मैं सामने से कोई एक्शन नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कोर्ट नोटिस भेजूँगा और कोर्ट में इसको बुलाया जाएगा और ये अपने हाथों से चैनल डिलीट करेगी, आप ये भी देख लेना। और एक बात और बता दूँ, रात जब इसने लाइव स्टार्ट किया तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में पता है इसने कैसे स्टार्टिंग की लाइव की, कि तुझे तेरा बाल भी नहीं मिलेगा, मतलब मेरे चिथड़े उड़ने वाले हैं, ठीक है, कि बाल भी नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा और धमाका होगा ऐसे करके, मतलब बॉम्ब गिराने वाली हो क्या। और पहले भी इसने यही किया है, मुक्की के साथ मेरी एक बार बात हुई तो वो बोलता है कि भाई तू पिछली बार बच गया, चैनल उड़ाया था, हमने उससे बात की, इसी अलका की भी उससे बंदे से बात करवाई, तेरे को घर से उठाने वाले थे, और वीडियो में मेरे पास प्रूफ है कि इन्होंने एड्रेस शेयर किया है, और उस पुलिस वाले को भी लेके आएंगे जिसने मेरी परमिशन के बिना मेरा एड्रेस इस लेडी को दिया था, क्योंकि अगर पिछली बार कोई केस भी होता है या कंप्लेंट भी होता है तो पुलिस वाले पहले पूछते हैं कि भाई तूने क्यों डिलीट किया, जैसे कि इस बार पूछा है, तो वो पुलिस वाला हो सकता है इसका कोई अपना था या इससे मिला था या पैसे दिए थे, उसने सारी डिटेल निकाल के दी और इसने ऑन सोशल मीडिया मुझे भी दिखाई और लोगों को भी सेंड की, और लाइव में आके उस मुक्की ने और सब ने धमकी भी दी कि इसको तो घर से उठा लेंगे, घर पे जाके वीडियो कॉल करेंगे, और ये भी पता चला कि भाना नाम का, क्यों मुक्की पता है ना तुझे, तूने बोला था ना बाद से पलटना मत, ऑडियो है मेरे पास, कि ऐसे करके उससे बात की तुझे घर से उठाने वाले थे, तो अब भाई मैं बेरोज़गार हूँ, आर्मी में मैंने नहीं जाना और घर का ख्याल रखूँगा, मेरी भी फैमिली है यहीं पे रह के, ठीक है। और रही बात कमाई की, वो बोल रही है कि भीख मांगने वाला हूँ तो मेरे चैनल पे मत जाना कि व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, जो गाने पे ऑडियो बनती है ना, गाने कितने वायरल हो रहे हैं उनसे अर्निंग होती है, चैनल म्यूज़िक कंपनी कोई मोनेटाइज नहीं होती, ठीक है, मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है और ना मैं करूँगा, अगर मोनेटाइज किया तो किसी और की अर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मैं और की अर्निंग नहीं लेना चाहता। और ये बोल रही थी कि तूने मेरे एडसेंस से डॉलर निकाले, तूने ये किया वो किया, तो भाई प्रूफ दे दे, और कोई तेरे को कुछ बोल भी देगा भी विनोद ने ऐसे किया तो कैसे मान लेगी। और एक बात और, जब भी कोई इसके कमेंट में करता था कि इसका प्रूफ लाओ, ये बोलो वो बोलो, चाहे एक कमेंट कोई कर देता था तो ये कहती थी ऑडियंस मेरे से सबूत मांग रही है, ये कर रही है, ये लो सबूत, तो ऑडियंस अब कमेंट में क्या बोल रही हैं, बहुत अच्छा हुआ चैनल डिलीट कर दो, अब भाग जाओ, अब चुप रहो, अब चुप क्यों नहीं रह रही, अब ऑडियंस की बात मान लेना, बड़ी आई इंसाफ की देवी, अगर इतना इंसाफ दिलाना है अपना भी तो कुछ बताना, अब खुद बता नहीं सकती, लोगों से वीडियो बना रही है, अलका के पति ये था वो था ये था, ठीक है। और रही बात स्ट्राइक की, तू कोर्ट में जाना तो जा, मेरे पास मेरे एविडेंस है वो बहुत है, और अगर मैं उनको प्रिंट आउट निकालूँ ना, तो जो क्या बोलते हैं, जो गीता होती है ना हिंदू धर्म के अंदर, जो चाहे कोई वेद लगा लो उसके पन्ने भी कम पड़ जाएंगे, इसके प्रूफ मेरे पास इतने हैं, समझ गए बात को। और जो लोग इसके साथ मिलके बैड कमेंट कर रहे हैं कि
कि उसने ऐसा किया। अब ये बोल रही है कि मर्द था तो मेरे साथ लड़ता, ये वो। तो मैंने मैडम को पहले समझाया, मैडम प्लीज़ ऐसे ना करो, अगर वो सामने से बोलती हम ऐसे करेंगे तो अलग बात थी, और बोल देती कि हम ऐसा नहीं कर रहे तो अलग बात थी। मैंने फ़ोन किया, मैडम ऐसे क्यों कर रहे हो, जब सारा मैटर ख़त्म हो गया। ये बोली कि मैं तो हॉस्टल में, मुझे क्या पता, खुद वीडियो बना नहीं सकती। तो ऑनलाइन से वीडियो बनाई, अभी उसने पब्लिक नहीं की, एक सेकंड के अंदर इधर शेयर हो गई, मतलब कह के बनवाई थी। ठीक है, मैंने इसको बोला वीडियो ना बनवाओ, उसको बोलो कि मत बनाए, किसी के दबाव में थोड़ी ना आएंगे हम, हमारी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करेंगे, तो हमारी भी मर्ज़ी है, हम जैसे मर्ज़ी। मुझे पावर मिली है और YouTube पार्टनर प्रोग्राम तो चलो मैंने नहीं लेना, लेकिन YouTube से कॉन्टैक्ट तो अच्छा है ना, इतने बड़े बड़े चैनल, ये एक चैनल नहीं है मेरा मिलियन वाला, मेरे चैनल कम से कम 20 से 21 चैनल है, जिसमें से 7 चैनल ऐसे हैं जिसके 2-2 मिलियन सब्सक्राइब है, और 3 चैनल ऐसे हैं जिसके मिलियन है, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 7 लाख, और कुछ तो ऐसे जो मुझे खुद याद नहीं है, मैंने फ्रेंड्स को दे रखे हैं, जिसके ऊपर मेरा फेस है ही नहीं, और वीडियो इतनी चलती है ना कि आप लोगों ने भी सब्सक्राइब किया होगा और शायद आवाज़ से आप पहचान लो। और क्या, मैं भूल गया क्या बोलूँ, हाँ कि मर्द था तो मेरे से लड़ता, इससे कैसे लड़ें भाई, हम इसके जैसे थोड़ी ना हो जाए। अब ये वीडियो बनाए, सामने से अनबनाए, इसमें और हमारे में फ़र्क क्या रह गया ये बताओ। तो हमने चुपचाप ऐसे किया, मैं 2-3 दिन से बाहर था, नेटवर्क नहीं था, तो पीछे से इतनी वीडियो छापी, ये बोला वो बोला। तो मैं तीर्थ यात्रा पे गया था, वहीं पे मेरी यही दुआ थी, बाकी कुछ मिले ना मिले लेकिन इसके चैनल को ख़त्म करना है। और तो मैंने क्या किया, तो वहाँ पे जब भी नेटवर्क आता था, स्ट्राइक अप्लाई होती थी नहीं होती थी, तो मैंने क्या किया, वीडियो डाउनलोड करके रख ली। तो मैंने कम से कम इसकी 100 वीडियो से प्लस डाउनलोड करके रखी हुई है, और सब पे स्ट्राइक मैं डेली देता रहता हूँ, जब तक ये डिलीट नहीं करेगी स्ट्राइक लगती रहेगी, प्राइवेट करने से कुछ नहीं होगा, और जितना मर्जी काउंटर डाल ले, और हम तो चाहते हैं काउंटर डालें, 3 काउंटर डाले और उसके बाद तीनों का हम रिप्लाई डॉक्यूमेंट दे देंगे और चैनल गया। अब 7 दिन का तो टाइम मिला है ना, अगर काउंटर का रिप्लाई हम दे देंगे तो इमीडिएटली चैनल उड़ जाएगा। बस आज संडे है, मंडे कल, और कल कोर्ट में जाके डॉक्यूमेंट तैयार करवाएंगे और इसके चैनल को उड़वाएंगे। रही बात ये बोरिया, हम तो ऐसे ही करेंगे, और चैनल बनेंगे, जितने बनाने हैं बना लो, ठीक है। जब कोर्ट में आएगा ना, तो कोर्ट क्या पता इसको बोलेगा, कोर्ट इससे इसकी आवाज़ छीन लेगा, कोर्ट इसको यही ऑर्डर देगा कि सोशल मीडिया पे आप आ ही नहीं सकते। जैसे कि जैस्मिन सैंडलेस के साथ हुआ था, उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनका कोर्ट केस हुआ, तो उन्होंने क्या किया, बीच में जैस्मिन सैंडलेस ने कोर्ट में वो, मतलब जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो छोड़ दिया, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसके साथ क्या किया, अभी आज के बाद आप गा नहीं सकते, उसकी आवाज़ छीन ली, उससे उसके अधिकार छीन लिए कि आप कोई गाना नहीं कर सकते, किसी और के साथ अपने लेवल पर भी नहीं कर सकते। तो वो थी पंजाब की, वो उसका बैकग्राउंड पंजाब का था, तो रहती थी लॉस एंजलिस के अंदर, और जब वो पंजाब आई, यहाँ के कानून अलग है, यहाँ पे आके उसने गाने स्टार्ट कर दिए, वो वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करती, यहाँ की कंपनी पे रिलीज़ करती है, वहाँ पे नहीं करती। तो इस तरह से ये जितने चैनल बनाएगी, चैनल चाहे लाख बना ले, लेकिन इसकी आवाज़ बंद कोर्ट करेगा, हम नहीं करेंगे। YouTube की कमाई से मैं अपना घर नहीं भर रहा, मैं अपना घर नहीं चला रहा, तो आगे जो मैं वीडियो लगा रहा हूँ उसको देखना, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछना कि विनोद चौधरी पंजाब से कितना डोनेशन दे के गया है 3 दिन पहले, ठीक है। तो मैं मंदिर में था जीण माता के, तो वहाँ पे कुछ गर्ल्स खड़ी थी, कैंसर के लिए जो पेशेंट था उनके लिए जो हेल्प करते हैं उनके लिए, और बहुत भी, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। और मोस्टली मैंने क्या किया, कहीं कभी रिसिप्ट नहीं ली, तो जिसको बोलते हैं ना गुप्त दान, वही करता हूं मैं। और वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है मेरा, लेकिन दिखाना भी ज़रूरी है, लोगों को पता चले भी हाँ ये दान पुण्य करता है, किसी को अक्ल आए भाई वो वीडियो बना के दान कर। लोग कहते हैं ना कि वीडियो नहीं बनाना चाहिए दान करते टाइम, मैं कहता हूँ वीडियो बनाना चाहिए, विचार लोगों को पता चले ये दान कर रहा है, हम भी करें, ठीक है। अगर दान करेंगे वीडियो नहीं बनाए, किसको क्या पता चलेगा दान किया कि नहीं, कल को यही लोग ब्लेम लगाएंगे YouTube से पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, घर चला रहा है, इससे घर नहीं चलता, ठीक है। मेरा फोटोग्राफी का काम है और मैं उसके अंदर बहुत अच्छा खासा कमा रहा हूँ, और जो ये पीछे घर देख रहे हो ये सारा कुछ
मैंने खुद बनाया है, मेरे पापा की कमाई से भी नहीं बना, सिर्फ मेरी कमाई से ही बना है। और अभी फर्नीचर का काम चल रहा है इसके अंदर, बहुत कुछ रह गया, स्टूडियो टाइप भी बनेगा अंदर, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएगी। और ये देख लो अभी मतलब काम चल रहा है, जोड़ लगाई हुई है, कल शीशे लेके आए हैं, वो लक्कड़ पड़ी। और मैं बाकी भी दिखाता हूँ आपको, ये अंदर से बंद है, एक मिनट इधर से दिखाता हूँ आपको। ये देख लो ये सामान पड़ा है सारा, जो कारपेंटर होता है वगैरह, ये शीशे लगेंगे सारी खिड़कियों के अंदर लगेंगे। केस नहीं आ रहा आपका, कोई बात नहीं, सभी को भी ये निवेदन है, ये हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा इनको मतलब इनकी हेल्प की जाए, कैंसर पेशेंट के लिए थोड़ा कैंप लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है तो ये नॉर्मल व्लॉगिंग भी नहीं कर सकती, क्योंकि व्लॉगिंग करेगी तो ऑडियंस ऐसे कमेंट करेगी और इसको बोलना पड़ेगा, इसलिए इसको ऑर्डर मिलेगा कि ये नॉर्मल व्लॉगिंग वीडियो भी नहीं आएगी। हाँ किसी म्यूज़िक पे रिएक्शन दे सकती है लेकिन व्लॉगिंग नहीं कर पाएगी। ओलियन के साथ मेरी लगभग एक घंटा बात हुई आज से, मैं क्या बताऊँ क्या डेट थी, शायद 15 तारीख को एक घंटा बात हुई, और साथ में मुक्की भी था। तो कहीं ना कहीं मुक्की स्पोर्ट में था, वो बोला मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कौन सपना कौन रेखा मैं किसी को नहीं जानता। तो मैंने बोला इनको समझा ले, बीच में बाद में तू आएगा ठीक है, तो वो बोला कि बाद में तो ये मेरे पास ही आएंगे, मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। तो भाई तो पहले बीच में क्यों नहीं आता, इसको समझाता क्यों नहीं, और बहुत टॉपिक है उस पर बनाओ, मेरा नाम जोड़ने की क्या जरूरत है। तो मैंने ओलियन को बोला भाई जो तू बोलना है एक घंटे की, दो घंटे की, पाँच घंटे की एक वीडियो बना के एक बार में बोल दे, उसके बाद कुछ नहीं बोलना, क्योंकि जो रेखा का मैटर था वो सारा ख़त्म हो गया, सॉरी फील उसने किया था, सारा कुछ ख़त्म। अब क्यों पीछे पड़े हो, बोले कि हम किसी के दबाव में थोड़ी आएंगे, किसके दबाव से थोड़ी ना रुकेंगे। तो फिर बोलती है इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, मतलब व्यूज चाहिए ना, अर्निंग भी चाहिए, क्योंकि इनको आदत लग गई है, $100, $90, $80 एक दिन के आते थे, प्रूफ है मेरे पास। और उसके बाद क्या है, बोली कि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैंने बोला एक वीडियो बना दो उसके बाद नहीं, बोली कि ठीक है चलो मैं एक वीडियो बनाती हूँ। मैंने जितनी बड़ास निकालनी है निकाल लो, लेकिन नहीं, मोहतरमा तो नहीं टली, व्यूज़ कैसे आएंगे। तो अब ले लो व्यूज़, वीडियो हाइड कर रखी है, चैनल डाउन गया है। और दूसरी बात, मेरा ओलियन के साथ पंगा नहीं था भी, चोर से अच्छा चोर की माँ को पकड़ो ठीक है, क्योंकि वही उनको सिखाती है, अगर वही उसका पालन पोषण सही करती, सही समझाती, अच्छे राह पिलाती तो वो चोर नहीं बनता। तो इसलिए हमने चोर को नहीं, चोर की माँ के चैनल को उड़ाया है। और दूसरी बात, जितने मर्जी चैनल बना ले, अगर ऐसी हरकतें करेंगी तो चैनल उड़ेगा, अगर अच्छी वीडियो डालेगी, अगर कहीं हमको लगा भी हाँ बढ़िया है तो हम भी शेयर करेंगे। और रही एक और बात मैं बता दूं, तो कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो खास एडिटिंग है, नॉर्मल है, बच्चे भी कर लेते हैं। तो बोलती है कि एडिटिंग बहुत अच्छे करते हो आप, मेरी वीडियो एडिट कर दिया करो। मैंने बोला कर दूंगा, क्या चार्जेस लोगे। मैंने बोला आप दे देना, कितनी कमाई हो रही है, मैं आपको 10% दे दूंगी, ये बोली उसने, ये जुबान उसकी है, 10% दे दूंगी, 10% अर्निंग मान के चलो। अभी वो बोली कि $100 हो रहा है, मान के चलो एक वीडियो पे लाख व्यू आते हैं, कम से कम बनेंगे एक वीडियो के 10,000 लगा लो, 10,000 में से 1,000 मेरा हो गया 10%, और इस तरह से और बहुत वीडियो है। तो उसके बाद क्या है, एक दिन का गैप निकला, और तीसरे दिन मैंने फ़ोन किया, पहले दिन बात हुई, दूसरा दिन खाली गया, तीसरे दिन जब बात हुई मैंने बोला मैडम सारा मैटर क्लोज है, अब क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे फ़ोन मत करो, प्लीज़ मुझे फ़ोन मत करो। मैंने बोला ये क्या चल रहा है, सारा मैटर ख़त्म हो गया, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। मैंने बोला मैडम प्लीज़ ऐसा ना करो, उनको बोलो वीडियो ना बनाए, मैं उनको कैसे रोकूँ। मैंने बोला आपने वीडियो शेयर की है तो शेयर तो मैं करूँगी, मेरी फ्रेंड है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगी, मतलब खुद तो हॉस्पिटल में थी, खुद वीडियो बना नहीं सकती थी, तो उससे बनवाई। मैंने बोला ऐसा मत करो, बाद में आप मेरे एक फ़ोन करने पर भी आप बोलते हो कि स्ट्राइकर से आई धमकी। तो अभी मैंने फ़ोन काटा ही था, उससे पहले एक वीडियो आ गई, सोनिया के चैनल को उड़ाने की दी गई धमकी। मैंने बोला धमकी कहाँ है, ऑडियो मैंने यही बोला, मैडम मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं समझा रहा हूँ। इतनी कि क्या कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, बस मैडम ने कभी सुना ही नहीं, इसकी कोई भी वीडियो देख लो, इसने यही बोला है कि यही सच्ची है ठीक है, सामने वाले को दबाने के लिए मैं ये करूँगी वो करूँगी, कोर्ट नोटिस भेजूँगी, ये करूँगी।
तो भाई कभी रियल में मिलते हैं, कोर्ट नोटिस भेजो, हम तो चाहते हैं, और कल कोर्ट नोटिस भी मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर जो मैंने कुछ किया है उसको जो लोग सही मानते हैं वो मेरे वीडियो पे आओ सपोर्ट करो, और एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे पास बहुत है पहले ही। और जो लोग कहते हैं कि मैंने गलत किया है वो मेरी वीडियो से दूर रहें। अभी भी कुछ लोग हैं जो वीडियो बना के गलत बोल रहे हैं। देखो नॉर्मल वीडियो बनाओ, भी रिएक्शन दो, हाँ इसने ये किया वो किया, लेकिन पर्सनल बातों को, आपको मैं बता दूं कि एक रूल लागू हुआ है इंडिया के अंदर कि बिना परमिशन के कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकता, लीक करना तो दूर की बात। इसलिए मतलब आईटी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल निकाला कि अब कोई भी अगर ऑडियो रिकॉर्ड करेगा तो उसको पहले वार्निंग दी जाएगी, और जब क्या होता है रिकॉर्डिंग कोई करता है तो उसमें बोलते हैं दिस कॉल कैन बी रिकॉर्डेड। तो ये अब इश्यू सबके पास आने हैं। तो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप ऑडियो कॉल भी कर लेते हैं और सिंपल भी, तो लोग दूसरे फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उसको लीक करते हैं, और जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग करके लीक करते हैं उन पे भी एक्शन होएगा। तो आगे से सतर्क रहें, किसी से ऐसी बात करें तो ध्यान रखना। वीडियो में बस इतने, दैट्स इट, दैट्स ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये तो मैं बोलूँगा क्योंकि यूट्यूब पे अब मैं भी ऐसे ही आऊँगा।